सवाल यही है कि ममता बनर्जी अगर कह रही हैं कि हर समय बीजेपी की सरकार नहीं रहने वाली है, मैं बदला जरूर लूंगी, आखिर उस बदले के मायने क्या है। धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता एलजेपीआर के। धीरेन्द्र जी, एलजेपीआर के लिए ममता दीदी के बदले के मायने क्या है? देखिए प्रत्युष जी, ममता दीदी कोई पहली बार नहीं बदला की बात बोल रही है, तो इससे पहले भी बदला करके लिया है ना, सीबीआई को अरेस्ट करने का काम किया है, ईडी पे हमला करवाया है, तो ये तो बदले की राजनीति से ही इनका राजनीति चलता है। अगर इनको कोई वोट नहीं देता है, उनके घर पे इनके गुंडे जाकर के मारपीट करते हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई करते हैं, तो सीबीआई और एनडीए सरकार से बदला लेने की बात तो ये कर रहे हैं, ये तो अपने लोगों से बदला लेते हैं, जो बंगाल में इनके लोग वोट करते हैं, अगर जो भी है उनसे भी ये बदला लेने का काम करते हैं। ऐसी सरकार लोकतंत्र में कहीं नहीं मैंने देखी है, पूरे विश्व में एक लौती पार्टी है कि अपने वोटरों के साथ बदला लेती है, तो इनके कहने में मुझे कहीं कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरह से ये कार्रवाई कर रही है सरकार, ये लोग इस तरह के कार्रवाई और हमले करवाते रहेंगी, और एक तरह से पूरे तौर पर इन्होंने थ्रेट फिर से दिया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के कार्यकर्ता, आप कह रहे हैं कि वो गुंडे हैं, धमकाते हैं, डराते हैं। बिल्कुल, इसके कई उदाहरण हैं। तो क्या चार फेज के चुनाव के बाद, क्या चार फेज के वोटिंग के बाद अगले तीन फेज को देखते हुए क्या ये जानबूझकर बयान दिया गया है? ये बिल्कुल, वहां पे चुनाव देखिए, पहली बार 18 सीटें थी वहां पे बीजेपी की, इस बार 25 से 30 सीटें मिलने जा रही है। अच्छा, इनकी जड़ें हिली हुई है, तो इसको लेकर के ये चाह रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे 25 से 30 सीटें बीजेपी लेकर आ रही है, 30 सीटें इस बार लेकर के आ रहे हैं, और ममता दीदी का तौसिफ जी अंत है राजनीति। तौसिफ जी, पिछली बार 18, इस बार 30, ये कह रहे हैं कि टीएमसी के गुंडे हैं जो डराते हैं अपोनेंट को। देखिए, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं उनकी बातें खुद उनको भी कन्विंसिंग नहीं लगेगी, उनको उनकी बात को फिर से सुनाया जाए, बाद में वो रिकॉर्डिंग देखेंगे। एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं धीरेन्द्र कुमार के 18 से, जी हाँ, वीरेंद्र कुमार जी को अपने आप को सुनना चाहिए कि उनकी बातें खुद ही कन्विंसिंग नहीं है। देखिए, तो वही बात हो गया जैसे प्रधानमंत्री कह रहे कि हम 400 पार ले आएंगे, जबकि डेटा ये बता रहा है, सारा सर्वे ये बता रहा है कि आपको 200 क्रॉस करना मुश्किल है, तो ये जो है कह रहे कि हम 400 ले आएंगे, तो ये जो है हवाई बातें कर रहे हैं। देखिए, चार जून तक आपको मिल जाएगा, 4 जून को मैं उम्मीद करता हूं आप भी रहेंगे टीवी पे, और उसके बाद आपकी बात को सुनेंगे कि हाँ कितना सीट आ रहा है। लेकिन तौसिफ जी, आप इससे इनकार तो नहीं कर सकते ना? तौसिफ जी, इससे इनकार तो नहीं कर सकते कि बंगाल में हिंसा होती रही है और हिंसा हो रही है, इस चुनाव में भी हुई है, डेटा आंकड़े आपके सामने है। 6 अप्रैल मुर्शिदाबाद में एनआईए टीम पर हमला, 5 जनवरी 2024 9/24 परगना ईडी टीम पर हमला, जून में देख लीजिए ये सरकारी जांच एजेंसियों की टीम पर हमला, उससे पहले आप उठा के देख लीजिए एनसीआरबी के आंकड़े 2012 से लेकर 2021 तक कितनी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, और इस पर तो कोर्ट ने भी कई बार संज्ञान लिया है। क्या वो सब झूठ है? आप दो विषय को आप जोड़ रहे हैं। एक है कि कहीं पे अगर पार्टी का कार्यकर्ता जो है आपसी डिस्प्यूट में, मारपीट में कहीं पे कोई हत्या हो रहा है या इंजर्ड हो रहा है, वो अलग इंसिडेंट है और उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, चाहे वो बीजेपी के वर्कर हो या फिर कल जैसे तृणमूल के वर्कर मारे गए, तो तृणमूल के वर्कर की जान जाए चाहे बीजेपी के वर्कर की जान जाए, भाई इनकी जान की कीमत है और इन्हें अपने, तो क्या बंगाल में सब चलता है? मतलब आप कह रहे हैं तृणमूल के वर्कर की जान जाए या बीजेपी के वर्कर की जान जाए, मतलब किसी के जान की कोई कीमत नहीं है, जान जाती है तो जाए, बंगाल में चलता है। लेकिन धनंजय गिरी जी, बंगाल में चलता है और बंगाल के लोगों को मानना पड़ेगा, यही बंगाल की हकीकत है राजनीति की। यही बात है, यही बात राष्ट्र को जिस राष्ट्र की जितना खतरा है उससे ज्यादा गांधारी से खतरा है। ममता बनर्जी तो मंच पे आके कह भी दे रही है कि मैं बदला ले लूंगी, लेकिन वो जो लोग जो टीवी पर बैठ के मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, पीछे से उनका इरादा क्या है ये सब दुनिया जानती है। वो दुनिया जानती है कि उनका इरादा क्या है, वो टीवी से उठते हैं तो क्या करते हैं और किस तरह से कत्लो गारत करते हैं, क्यों लग रहा है? और बंगाल में आप डर क्यों रहे? आपके पास सारा एजेंसी है, सीबीआई है, ईडी है, आप डर क्यों? यानी कि आप चुनाव हार रहे हैं, यानी कि आप चुनाव हार रहे हैं, आप डरे हुए हैं,
तो ऐसे मुनाफिक और मक्कार लोगों से मुल्क को सावधान होने की जरूरत है, जिनका विधायक ले जाकर के लोगों को दिखा आपको कर जेल जाना है, आपको जेल जाना पड़ेगा। इस देश की जनता भी आपको चाहे टीवी में बैठ के जितना भी चिल्ला लीजिए, अंदर छुपे गद्दारों की सजा आपको मिलेगी। ममता बनर्जी क्यों धमका रही है? क्योंकि उनके पैर के नीचे की जमीन नहीं है, उन्हें पता है कि बंगाल ने उनको उनकी बेगरती और उनके बर्बाद करने के तरीके से उनको रुखसत कर दिया है, जनता ने उनको खारिज कर दिया है। मैं घनश्याम तिवारी जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले धनंजय गिरी जी आपसे एक सवाल। आपने कहा कि टीएमसी के गुंडे हैं, ये हत्या करते हैं, ये हिंसा करते हैं, दीदी इनको भड़काती है। अर्जुन सिंह का क्या हुआ था बैरकपुर के सांसद, सुन लीजिए अर्जुन सिंह बीजेपी के सांसद बैरकपुर से क्या हुआ। 2019 में आपके पार्टी से चुनाव जीतते हैं, उसके बाद ज्वाइन कर लेते हैं टीएमसी, कहते हैं ना दीदी हिंसा नहीं करती है, ठीक 2024 में पलटी मार के फिर बीजेपी, ये है क्या? इस पलटी को क्या माने, इसे क्या नाम दे? प्रत्युष जी आप समझिए कि कौन किसको हिंसा के लिए आईना दिखा रहा है। धनंजय जी, हिंसा के लिए कौन किसको आईना दिखा रहा है? प्रत्युष जी आप समझिए कि वहां कोई सुरक्षित नहीं है, आम आवाम सुरक्षित नहीं है, सांसद सुरक्षित नहीं है, विधायक सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए असुरक्षित होकर अर्जुन सिंह बीजेपी से चुनाव जीतते हैं, सांसद बनते हैं, अब फिर टीएमसी में वापसी चले जाते हैं, अब फिर चुनाव में फिर वापस बीजेपी में आ जाते हैं। प्रत्युष जी, पिछला चुनाव ममता बनर्जी ने कहा था कि यहां से अर्धसैनिक बल जाएंगे, तुमको देख लूंगी, और क्या हुआ? कत्लोगारत हुआ, बस्तियां जलाई गई, लोग मारे गए, कत्लेआम हुआ, और आज फिर धमकी दे रही है कि बदला लूंगी, तो स्वभाव तो सामने आ रहा है ना। ठीक है, घनश्याम तिवारी जी अब चूंकि इस बहस में बात 25-30 की भी आ गई कि 25 सीट जीत रहे हैं, 30 सीट जीत रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी तो अलग राग अलाप रही है बंगाल में, इंडिया गठबंधन के बनिस्पत इंडिया ब्लॉक की बात करती है, वहां अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के गुंडे लोगों को डराते हैं ताकि मैं बहरामपुर में हार जाऊं। खुद आपकी इंडिया अलायंस की सहयोगी टीएमसी को ममता बनर्जी को कहती है कि हिंसा फैलाती है, ये चल क्या रहा है? देखिए, ये चल ये रहा है, भारतीय जनता पार्टी ताली और थाली बजवा रही थी जब लोग मर रहे थे और वैक्सीन की कंपनियों से चंदा ले रही थी, चंदा, सोचिए यहाँ पर आकर के बड़ा बड़ा प्रवचन देने वाले लोग। मैं धनंजय गिरी के बीच में मैंने नहीं बोला, बात अगर बंगाल की हो रही है, धनंजय गिरी बीच में मत बोलो, अपनी बात अपने समय पे बोलो, मैं अपनी बात पूरी करूं, तुमसे जो पूछा जा रहा है वही बोलो, बंगाल के बारे में पूछा जा रहा है, बकवास कर रहे हो, पूछा जा रहा है बंगाल के बारे में कर रहे हो बकवास, गुंडागर्दी मत करो, धनंजय गिरी गुंडागर्दी तुम कर रहे हो, सपाई का मतलब गुंडा है, सपा है तो गुंडा ही होगा, ये तो एकदम गोडबी ने कहा है कि पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, सपा का है तो गुंडा ही होगा, और बात बंगाल की हो रही है, बंगाल के बारे में एक शब्द बोला नहीं जा रहा, जिस आदमी से बंगाल शब्द मुंह से नहीं निकला अभी तक, ममता बनर्जी क्या बोलेगा वो आदमी, और ऐसे 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 चुप में गद्दार होते हैं, समय से नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तत्काल समय लिखेगा उनका भी अपराध, और इनके गुंडों के अपराध के कारण 14-17 चार चुनाव में होगा सपा की सफाई, क्योंकि ये गुंडों के साथ है, ये अपनी राष्ट्रव्यापी घटनकारी समय समाप्त हो रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी।